శ్రీ స్వామినారాయణ సువర్ణ ముఖ్యమందిర్ దేవాన వస్తే మహాన్ స్వామి శాస్త్ర స్వామి ప్రేమచంద్రజీ హం యా మందిరికి మహాన్ రూప మే ఆజ శ్రీ స్వామినారాయణ భగవాన్ నే స్థాపిత కియా హువా ఇస్ మందిర్ మే శ్రీ రాధారమణ దేవ్ రామచంద్రాయ త్రిపురాయ జీ సదాశివ సిద్ధేశ్వర మహాదేవ్ ఆది దేవతా కి దర్శన హో రహా ఇస్ మందిర్ కా శాయద్ ఏక్ సో ఆర్ 80-85 साल होने आए हैं। इसमें भगवान स्वामीनारायण प्रभु का हरिकृष्ण उत्सव स्थापित किया गया है। परम पूज्य आचार्य महाराज से आदि आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज के कार्यक्रमों से इसका प्रतिष्ठा महोत्सव हमें पाठोत्सव बोला जाता है। तो ये पाठोत्सव में 198 का पाठोत्सव जिसके यजमान पद सुशोभित कर रहे थे जादव भाई जयराम भाई चावड़ा इस मंदिर के चेयरमैन के रूप में है और उनके पुत्र महेंद्र भाई और घनश्याम भाई और उनके परिवार मिलकर सैकड़ों की संख्या में इस मंदिर के घनश्याम महाराज हरिकृष्ण महाराज के पाठोत्सव में ये सब लोग आए थे। कल देवकी हरिकृष्ण महाराज के पाठोत्सव के अभिषेक के लिए जल यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ मंदिर से प्रस्थान करके भगवान का स्वर्ग सांस लेकर बैंड पार्टी और सैकड़ों भक्तजनों के द्वारा जयनाद उद्घोषित करते हुए गोदावाव पार्टी गए थे। वहां से जल लेकर शाम को यहाँ रखा गया। आज सुबह 5:30 बजे मंगला आरती हुई भगवान की और 6 से 7:30-8 तक अभिषेक हुआ। भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए भक्त लोगों ने वैदिक मंत्रों के अनुसार खूब धाम धूम से और उत्साह से ये माहौल बनाया। भगवान श्री कृष्ण महाराज का और राधारम देव का और सब देवों का अभिषेक वैदिक मंत्रों के अनुसार पूजन अभिषेक हुआ षोडशोपचार और बाद में श्रृंगार आरती हुई। अभिषेक के बाद श्रृंगार आरती के बाद अन्नकूट का भी आयोजन किया गया। 56 भोग का भगवान को भोग लगाया। सभा का आयोजन किया गया। यजमान हमारे जाधव भाई जयराम भाई चावड़ा परिवार उनकी ओर से जो भक्तजनों का आभार दर्शन किया गया। परम पूज्य लालजी महाराज श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज उनके आशीर्वाद लेकर और आचार्य महाराज श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज वड़ताल की ओर से आशीर्वाद लेकर पुष्पेंद्र प्रसाद जी महाराज लालजी महाराज से पधारे थे। संत लोग नित्य स्वरूप स्वामी और लक्ष्मी प्रसाद स्वामी कैपी शास्त्री स्वामी द्वारका से भक्ति प्रकाश शास्त्री स्वामी सोमनाथ से एसपी स्वामी गरडा से और विविध धामों से संत आए हुए थे और सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग आए थे। उन्होंने दर्शन किया। सभा में भी उपस्थित होकर पूरे देश के लिए समाज के लिए परिवार के लिए शुभ संदेश युवकों के लिए बालकों के लिए और संदेश दिया गया और धर्म में रत होकर राष्ट्र की सेवा करना समाज की सेवा करना इसके बारे में शुभ संदेश लालजी महाराज की और संतों की ओर से दिया गया। इस मंदिर का परोपकार का कार्य होता रहता है। अंगक्षेत्र चलता है, रात से दवाखाना भी चलता है और भूकंप में अतिवृष्टि अनावृष्टि में भी और पूर्व राहत में भी इस मंदिर की ओर से खूब खूब अच्छी तरह से आर्थिक तन मन धन से सेवा की जाती है। और हमारे ट्रस्टी मंडल नंदलाल भाई भामटा चेयरमैन श्री जाधव भाई चावड़ा रतिलाल भाई मदन भाई आदि सब ट्रस्टी लोग हमारे यहाँ के गणेश भाई डाभी ये सब अच्छी तरह से इस कार्यों में रत हुए हैं और संतों भक्तों इस कार्य का संदेश देश विदेश में ये अच्छी तरह से वाहते हुए हमारे पूज्य लाल जी महाराज आचार्य महाराज का संदेश भगवान श्री हरि का सर्वजीव संता संदेश सर्वजीता व संदेश संदेश जो है तो देश देश में पहुंचाया जाता है। मीडिया की ओर से जन जन सुधी ये संदेश पहुंचा जा रहा है तो हमें खुशी है और धन्यवाद प्रस्थान करता हूँ। अस्तु जय स्वामी नारायण।